दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आप घर बैठे कैसे पता कर लें कि ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा खाता है या कम खाता है। ये एक अद्भुत तरीका है, आप घर बैठे हर ट्रैक्टर के बारे में सारी चीज़ पता कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि मैं कहता हूँ पूर्णता जरूरी है। जब भी आप छोटे छोटे काम पूरे करते हो ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो एक अद्भुत बदलाव आता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। पूर्णता से ही खुशियाँ मिलती हैं दोस्तों। हमें आज रिश्तों में पूर्णता नहीं कर रहे तो रिश्ते टूट रहे हैं, धन की पूर्णता नहीं कर रहे तो धन हमसे छिन जा रहा है, गरीबी आ रही है, और सेहत के लिए अगर व्यायाम नहीं करते तो पूर्णता नहीं करते तो बीमारियाँ आ रही हैं। वीडियो को अंत तक देखना। तो दोस्त, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे आप घर बैठे पता कर सकें कि ट्रैक्टर जो मैं खरीदने जा रहा हूँ उसका सारा कुछ क्या है? क्योंकि कंपनी वाले सिर्फ वही बताते हैं जो उनको बताना होता है, क्योंकि वो आपके रिश्तेदार नहीं है। कंपनी वाले सिर्फ वही बताएंगे जो आप उनके लिए फायदेमंद होगा, जो चीज उनकी नेगेटिव होगी उसको छुपा लेंगे, वो पक्की बात है। तो आज ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप ट्रैक्टर के बारे में सब पता कर लेंगे उससे पहले ही। कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जानकारी का अभाव हमारे पास है, इसीलिए सबसे बड़ी गड़बड़ होती है दोस्तों हमारी जिंदगी के अंदर। आपको अगर पूर्णतः जानकारी कहीं से भी मिले उससे पहले उसको हासिल करना चाहिए। हमारी जिंदगी के अंदर एक सबसे बड़ी वीकनेस होती है, क्या होती है? इंसान एक ऐसा जानवर है जो बार बार गलती करता है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं, एक गधा जा रहा है, वो एक गड्ढे में गिर गया तो दूसरे दिन आएगा तो गिरेगा? कभी नहीं। इंसान बहुत गलतियां करता है ना। तो अपनी गलती से बचने के लिए पहले आपको एनालिसिस करना है। अमीर आदमी हमेशा एनालिसिस करता है, डाटा को इकट्ठा करता है, फिर ट्रैक्टर खरीदता है। फिर मैं कहता हूं जो ट्रैक्टर बेचने आ रहा है वो आपके खुद के लिए फायदे के लिए आ रहा है, आपके लिए नहीं आ रहा वो, है ना। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसमें जब ट्रैक्टर बनता है यानी पहला मॉडल बनता है, बनने के बाद क्या होता है, कंपनी उसको चेक करती है कि सारे पैरामीटर खरे उतर रहे हैं कि नहीं। खेतों में जैसे मैं कंपनियों में था तो कंपनी से ट्रैक्टर आते थे हमारे पास और हम उसको फील्ड में लोगों को फ्री में चलाने के लिए देते थे। 2000 घंटे तक हम ट्रैक्टरों को देते थे। जब 2000 घंटे तक ट्रैक्टर चल जाता था उसके बाद वो ट्रैक्टर किसान से पूछा जाता था कैसे चल रहा है, उसके टेस्ट होते थे बीच बीच में जाके। फिर उस ट्रैक्टर को एक ऐसी जगह भेजा जाता था जहां उसके गवर्नमेंट उसकी टेस्ट करती है। और यह जरूरी है कि जब टेस्ट की रिपोर्ट है वो सारे किसान देख सकें, इसीलिए वो एक रिपोर्ट बनाती है। और इस ये है महाराष्ट्र सॉरी ये है एमपी के अंदर होशंगाबाद जिले में बुधनी एक जगह है। बुधनी एक ऐसा सेंटर एग्रीकल्चर का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जहां ट्रैक्टरों की टेस्टिंग होती है। अब बोलेंगे टेस्टिंग तो सही होती है, हमें कैसे पता चलेगा? अब आपको ऐसे पता चलेगा कि जो बुधनी रिपोर्ट है ना ट्रैक्टर की, वो आप सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन हमारे ज्ञान में थोड़ी कमी या हमने उसको खोजने की कोशिश नहीं की, इस वजह से हमारे पास वो रिपोर्ट नहीं होती। और उसमें एक चीज बताऊंगा, बाकी आप खुद देखना है। उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब आप ट्रैक्टर को चलाते हो तो वो डीजल कितना खाता है, क्योंकि आज डीजल सोने का मोल है दोस्तों। अब डीजल कितना खाता है ये वो पूरे के पूरे टेस्ट लोड अलग अलग लोडों पर डाल के वो ट्रैक्टर को चेक करते हैं कि वास्तव में जो कंपनी ने बोला है हमारा ट्रैक्टर इतना डीजल खाता है या अलग है। उसको बोलते हैं दोस्तों स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, यानी उसको SFC। मेरे बहुत दोस्तों ने नीचे कमेंट, जो मेरे को प्यार देते हैं बहुत सारा, उन्होंने बहुत सारे SFC के ऊपर बोला सर वीडियो बनाओ। तो पहले मैंने स्टडी किया, सारी कुछ पता किया इधर उधर से, फिर मैंने बुधनी रिपोर्ट बहुत सारी इधर उधर से इकट्ठी की, इधर उधर से इकट्ठी नहीं की, बताऊंगा कैसे करनी है आपको, अंत में बताऊंगा कि बुधनी रिपोर्ट आएगी कहाँ से आपके पास, और कोई भी ट्रैक्टर की आप निकाल सकते हो, बता के जाऊँगा आपको। अब मैंने जब सब इकट्ठा किया तो मेरे को एक चीज़ पता लगी कि ट्रैक्टर की बुधनी रिपोर्ट अगर आपके सामने आ जाए तो आप यानी आप अगले आदमी का पूरा चरित्र समझ सकते हैं। मतलब जैसे मैं गुरदीप हूँ, आप मेरे बारे में सब जान जाओ तो आप मेरा चरित्र समझ ही लोगे ना, कि पैसे में कैसा है, ये घर में कैसा है, रिश्तों में कैसा है, सारी चीज़ समझ जाओगे। बुधनी वो करेक्टर सर्टिफिकेट है ट्रैक्टर का, और ये कंपनी वाले कभी नहीं बताते आपको। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वही चीज़ बताना चाहते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, जो उनके लिए ज़रूरी है, और दूसरा वो उन अपना फ़ायदा देखना है उनको, तो ठीक है ना, तो इसलिए ज़रूरी है दोस्तों। अभी मैं एक इसमें मेरे पास एक
बुधनी रिपोर्ट है, मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूँ ताकि मैं मोबाइल के इस साइड में डाल दूंगा उसको, है ना दोस्तों। तो बुधनी रिपोर्ट में एक स्पेसिफिक कंजप्शन होता है, मैं ट्रैक्टर की रिपोर्ट निकालता हूँ ताकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग, अभी चालू हो रही है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या होता कैसे होता है। और मैं जो इसका एक मेन फोटो भी उसको पढ़ा लूँगा, इसके जस्ट बाद आपको फोटो मिलेगा, है ना। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जब मैं ट्रैक्टर को अभी मैंने हर्षवर्धन जैन सर को ये भेजी थी रिपोर्ट ठक से, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी वहाँ पे ले जाता हूँ। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट है, आप देखोगे ना एक एक चीज़ इसके अंदर दी गई है। अब कहोगे जी इंग्लिश में है, हमको तो इंग्लिश आती नहीं, तो आपको कैसे इंग्लिश को कन्वर्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। इसी के वीडियो चलते चलते ही आपको हिंदी करके दिखा दूंगा आपको, ताकि ये समझ में आ जाए इंग्लिश को हिंदी में कैसे करना है आपको। तो दोस्तों अगर जब मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ट्रैक्टर को, तो ये देखो स्पेसिफिक कंजप्शन, ये देखो मैंने बड़ा कर दिया, ये क्या है पावर किलोवाट आवर। अब यहाँ पर यानी स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का मतलब ये होता है कि उसने एक किलोवाट पावर पैदा करने के लिए एक घंटे में कितना डीजल खाया, यानी एक एचपी को किलोवाट होता 0.746 एक एचपी का 0.746 किलोवाट होता है। अब इसको तो आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हो, और कितना डीजल खाया इसको देखो आप, नॉन वैल्यूशन यानी प्लस माइनस 8% बोल रहा है, 128 डी डीजल खाया। अब दोस्तों इसकी कैलकुलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक किलोवाट पैदा करने के लिए ये 128 खा रहा है। अभी ऐसे जब सभी ट्रैक्टरों को आप पता कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डीजल खा रहा है एज ऑब्जर्व्ड। ये कंपनी ने बोला है, डिक्लेयर कंपनी ने किया है, और इसने खाया है कम, यानी 117.62 खाया है। महिंद्रा का ट्रैक्टर है दोस्तों ये, है ना, बढ़िया कंपनी है, देखो ट्रैक्टर डीजल फ्यूल एफिशिएंट बनाती है, बहुत अच्छा ट्रैक्टर, लेकिन आप पता कर सकते हो उसके बारे में विस्तार से, है ना। और ये जैसे आप पता किया, अब बात आ जाती है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ से सबसे पहले जाना है गूगल पे। ये गूगल कैमरा आ गया, इस गूगल के कैमरे को कनेक्ट किया, अभी मैंने इसको इस पर क्लिक किया। अब नीचे देखो, ये नीचे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेट, क्या लिखा हुआ है ट्रांसलेट। अब आपको जिस मैंने इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट किया, आप ऐसे बड़ा करके इसको पढ़ सकते हो, देखो सारा हिंदी आ गया। अधिकतम क्रैंकशाफ्ट टॉर्क पावर का न्यूनतम इंजन खपत, दिखा ना, दिखा पर पावर किलोवाट, रेटेड इंजन गति पर किलोवाट अधिकतम शक्ति अनुरूप ईंधन। अगर इधर जाएंगे तो 246 डी, और इसका यानी 117 खाया इसने, है ना, अनुरूप ईंधन की खपत, है ना। अधिकतम क्रैंकशाफ्ट 148 और इसने 243 और 246 खाया, 240 खाया। तो ये इस तरीके से आप इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और बहुत आसान है दोस्तों, आपको ये करना चाहिए, है ना। जब भी आप कोई ट्रैक्टर खरीदने जाओगे तो खरीदना ही खरीदना है, तो आपको ये काम करना ही करना है ना। तो आपको ये पूरा पता चल गया। अब बात करते हैं आप इसको डाउनलोड कैसे करोगे, डाउनलोड भी करके दिखा देते हैं सीधा सीधा आपको, अभी रिकॉर्डिंग नहीं है। अब मैं सीधा डाउनलोड करूंगा तो साइट है, आपको क्या करना है, सीधा इस गूगल को बोलना है, गूगल का ये जो लिंक होता है ना यहाँ पे, यहाँ क्लिक करके ये बोलना है। जैसे मान लो ट्रैक्टर पहला कंपनी का नाम लेना है, फॉर द एग्जांपल कोई भी एक कंपनी का नाम लिया, फिर उस ट्रैक्टर का मॉडल निकालना है, और आगे उसको बोलना है बुधनी रिपोर्ट डाउनलोड, ऐसे करके लिखिए, तो आपको सीधा क्लिक मारोगे बुधनी रिपोर्ट हर एक ट्रैक्टर की डाउनलोड में मिल जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की साइट है, सारी बुधनी रिपोर्ट फ्री अवेलेबल है आपके लिए। आज से जब भी ट्रैक्टर खरीदना दोस्तों, बुधनी रिपोर्ट जरूर चेक करना, ओके। कैसा लगा ये वीडियो, मैं कहता हूं थोड़ी पूर्णता कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आप किसी की मदद कर पाओ, उसको सही समझ में आ सके ट्रैक्टर वाले में, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, क्योंकि ट्रैक्टर जो बेचने आ रहा है ना ये कंपनी वाले, वो आपके रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदार आप हो सकते अपने दोस्त के, अपने किसानों के, क्योंकि इंडिया के अंदर किसानों का अमीरी का रेशो क्या पता है, 2% by 98। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 2% ही किसान अमीर हैं, 98% नहीं है, उनको जानबूझ के गरीब रखा जाता है। सारे देश को अगर अमीरी मिल गई तो आफत आ जाएगी ना, इसलिए उसको जानबूझ के गरीब रखा जाता है, उनको पता नहीं लगने दिया जाता बहुत सारी चीज़ों का। दोस्तों 2% किसान अमीर हैं जो समझदार हैं, वो समझते हैं चीज़ों को, सीखते हैं,
किसानी में भी बहुत अमीर है, इनकम टैक्स जीरो है दोस्तों। पिछले कुछ ही सालों में 1,65,000 रुपये हर महीने इनकम टैक्स भरता था कमाई की, तो लेकिन किसान की तो नहीं ना, हर महीने कमाई होती है तो इनकम टैक्स नहीं होता ना उसको, हमको होता है। 50% तो सरकारी ले जाती है। तो ओके दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? सबसे पहले मेरे देश के किसानों को और मेरे देश के जवानों को जय जवान जय किसान, जय हिंद दोस्तों, जय भारत। फलते लिए फूलते रहिए, आप हमेशा खुशियों से आगे बढ़ते रहिए।